नमस्कार दोस्तों, बाबा ट्रेनिंग सेंटर में आपका हम स्वागत करते हैं। और आज से शुरू करने वाले हैं फ्रिज का गैस चार्जिंग। तो दो पार्ट में वीडियो रहेगा। पहला वीडियो आज आपको हम बताएंगे थ्योरिकली, ठीक है। थ्योरी बताएंगे हम लोग कि कंडेंसर का, कूलिंग कोयल का, ड्रायर का, कैपलरी का क्या काम होता है, गैस कैसे सर्कुलेट होता है, कहाँ पे वेपर बनता है, कहाँ पे लिक्विड बनता है, कूलिंग कैसे करता है, पूरा साइकिल आपको हम समझाएंगे आज, थ्योरी बताएंगे आपको। और अगला जो वीडियो होगा वो आपका हम प्रैक्टिकल करवा कर दिखा देंगे कि किस तरह से गैस चार्जिंग क्या रहता है। मतलब अगर ये वीडियो आप अगर देख लेते हैं पूरा दोनों पार्ट, ठीक है, तो आप गैस चार्जिंग इजी वे में आप कर सकते हैं बिना डरे हुए। क्योंकि गैस चार्जिंग करने में लोगों को डर लगता है कि कैसे करेंगे, वेल्डिंग करना रहता है और बहुत तरह का डर रहता है। स्टार्टिंग में बहुत सारे टेक्निशियन को डर लगता है इसके लिए, लेकिन जब करने लगेगा धीरे धीरे करके तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और फिर कोई हार्ड नहीं है। स्टार्टिंग में हमको भी लगा था कि गैस चार्जिंग बहुत हार्ड है, नहीं हो पाएगा, तो लेकिन करते करते जो है वो ईजी हो जाता है कोई भी चीज़। तो इसीलिए घबराने की बात नहीं है, आपको हम बता देंगे वीडियो में टोटल चीज़ गैस चार्जिंग के बारे में। तो आप आसानी से गैस चार्जिंग कर सकते हैं, सिंगल डोर, डबल डोर, या कितना बड़ा भी फ्रिज क्यों ना हो, ठीक है, 500 लीटर का साइड बाय साइड हो, ठीक है, सारे फ्रिज का गैस चार्जिंग आप इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मतलब जो भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले आप ही को मिलेगा, ठीक है, इसी के लिए बेल आइकन को दबाना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें जो मेन मेजर पार्ट होता है फ्रिज का, यहाँ पे देखिए फ्रिज भी लिए हुए हैं हम यहाँ पे, और कंप्रेसर फ्रिज और डायग्राम भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे मेजर पार्ट जो होता है फ्रिज के अंदर में वो होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर के थ्रू मतलब कंप्रेसर से ही गैस को कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेसर का काम होता है गैस को कंप्रेस करना, ठीक है। तो कंप्रेसर से जो प्रेशर निकलता है, जो कंप्रेसर से प्रेशर निकलता है, तो देखिए कंप्रेसर में दो लाइन रहता है, एक इधर इन रहेगा, एक इधर आउट रहेगा, और एक जो लाइन रहता है तीसरा, ठीक है, तीसरा आपका जो लाइन रहता है वो रहता है गैस डालने के लिए, मतलब चार्जिंग पिन बोलते हैं उसको, ठीक है, चार्जिंग लाइन है वो। दो जो रहता है मेन, एक होता है सेक्शन, एक होता है डिस्चार्ज। जो दाहिने साइड में होगा वो आपका डिस्चार्ज होगा, और जो बाएं साइड में देख रहे हैं आपका वो होगा आपका सेक्शन पाइप। सेक्शन का मतलब क्या होता है? सक्शन का मतलब होता है खींचना, और डिस्चार्ज का मतलब होता है डिस्चार्ज करना, किसी भी चीज को ड्रेन आउट करना, बाहर निकालना, उसका मतलब होता है डिस्चार्ज। वॉशिंग मशीन में पानी डिस्चार्ज होता है तो ड्रेन मोटर के थ्रू होता है ना डिस्चार्ज, ठीक है। तो वो उसी तरह से यहाँ भी कंप्रेसर जो है प्रेशर को डिस्चार्ज करता है, यहाँ पे प्रेशर डिस्चार्ज होता है कंप्रेसर से, और यहाँ से सेक्शन एक तरफ से खींचता है और दूसरी तरफ से डिस्चार्ज करता है। तो क्या डिस्चार्ज करता है कंप्रेसर? गैस, क्योंकि हम लोग फ्रिज में गैस डालते हैं, गैस से कूलिंग होता है, तो फ्रिज जो है गैस को डिस्चार्ज करता है। तो देखिए यहाँ पे जब कंप्रेसर गैस को, हम लोग गैस डालते हैं फ्रिज के अंदर में, तो जब कंप्रेसर जो होता है गैस को यहाँ से जब डिस्चार्ज करता है, ठीक है, ये डिस्चार्ज लाइन है आपका, तो डिस्चार्ज करता है, तो यहाँ पे जो उसका गैस रहता है, गैस वो आपका रहता है वेपर के रूप में, मतलब वो बहुत गर्म रहता है, ठीक है। वेपर का मतलब होता है वाष्प होता है, ठीक है, वाष्प भी कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे क्या है, गर्म है, ठीक है, यहाँ पे गर्म वाष्प है, गर्म वेपर है, मतलब यहाँ का टेम्परेचर जो है 80-90 डिग्री होता है। मतलब अगर आप जब फ्रिज चलता रहेगा चालू कंडीशन में, अगर इसमें पानी डालेगा एक बूंद, तो पानी सन से करके वाष्प बन जाएगा, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही गर्म रहता है। तो गर्म क्यों रहता है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए ये आपका है कंप्रेसर के अंदर में रहता है पिस्टन लगा हुआ, आपको बताया ना कि दो लाइन रहता है, एक रहता है लाइन इन, एक रहता है लाइन आउट, ठीक है। यहाँ पे एक सेक्शन पाइप है जो यहाँ पे खींचता है, ठीक है, यहाँ पे खींच कर यहाँ से इन करता है, और जब यहाँ से ये आपका पिस्टन है, पिस्टन अप एंड डाउन होता है, ऊपर नीचे होते रहता है, बहुत स्पीड में होता है, बहुत स्पीड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से लाइन इन होता है, मतलब गैस यहाँ से इन होता है, ठीक है। इन होने के बाद क्या है कि ये जो देख रहे हैं यहाँ पे एक पट्टी टाइप का, ठीक है, और समझिए कि एक डोर है, वो डोर खुलता है, गैस यहाँ पे चलाता है,
यहां से गैस होता है जब नीचे आता है तो खुलता है, जब ऊपर जाएगा तो एयर से क्या होगा, बंद हो जाएगा, तो जो गैस आ रहा है इधर से वो फिर इधर नहीं जा पाएगा, ये जाएगा कहाँ, इधर जाएगा मतलब डिस्चार्ज लाइन में जाएगा, जो दाहिने साइड में डिस्चार्ज लाइन होता है कंप्रेसर में वहां जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होता है कि एक दबाव बनाता है, जब दबाव बनाएगा गैस के ऊपर में या किसी भी चीज के ऊपर में आप दबाव बनाइएगा, ठीक है, तो क्या होता है वो गर्म हो जाता है। तो जो पिस्टन है इतना स्पीड चलता है, इतना जोर से मतलब यहाँ दबाव बनाता है, प्रेशर बनाता है कि जो गैस है वो गर्म हो जाता है। गर्म होने पे क्या होता है कि यहाँ से देखिए ये भी एक लीवर टाइप का है, लीवर उठता है और गैस यहाँ से आउट हो जाता है, ये क्या होता है बंद होता है। जब लीवर ऊपर जाएगा तो ये बंद हो जाएगा और लीवर जब नीचे आएगा, ये आपका जब पिस्टन नीचे आएगा तो सॉरी जब नीचे आएगा तो एक आपका खुल जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपस में एक खुलता है और बंद होता है, ऊपर नीचे जब होता है तो खुलता है बंद होता है, जब ऊपर जाएगा तो ये खुलेगा ये बंद हो जाएगा, जब नीचे आएगा ठीक है तो ये खुलेगा और ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से गेट होता है, तो गैस को जो इन हो रहा है उसको आउट नहीं होने देगा वहां से, और जो आउट हो रहा है यहां से उसको यहां से कुछ इन होने नहीं देगा, मतलब प्रेशर बनाता है। तो यहां पे जब प्रेशर बनाएगा कंप्रेस करेगा, कंप्रेसर का मेन यही है प्रेस करना, जब प्रेस करेगा तो यहां पे गैस गर्म होता है, गर्म होने के बाद जो है यहां से गर्म होकर पाइप जो है यहां से गैस निकलता है, और निकलने के बाद यहां से जाता है, देखिए जा रहा है यहां से चला गया, ये जो देख रहे हैं आप इसको बोलते हैं हम लोग कंडेंसर, यहां देख रहे हैं आप देखिए ये आपका कंडेंसर हो गया। कंडेंसर का काम क्या होता है, हीटिंग को डिस्चार्ज करना, हीटिंग को डिस्चार्ज करना मतलब अगर आपका यहां से गर्म हवा निकल रहा है, ठीक है, गर्म एयर निकल रहा है, वेपर निकल रहा है गर्म, ठीक है, तो गैस गर्म निकल रहा है यहां पे, तो यहां पे क्या है कि ये कंडेंसर हीटिंग को डिस्चार्ज करता है धीरे धीरे करके, जैसे जितना डिस्टेंस बनेगा लंबा होगा उतना गैस को ठंडा करता हुआ जाएगा, यहां से गैस को ठंडा करता जा रहा है, गैस को ठंडा करता हुआ जा रहा है, गैस को यहां से ठंडा करता हुआ जा रहा है। देखिए यहां पर जब आता है, ठीक है, तो क्या है कि यहां पर गैस और लिक्विड दोनों बन जाता है, जो गैस है यहां से तो गया गैस बनकर गर्म गैस, ठीक है, यहां से गया गर्म गैस बनकर, गैस फॉर्म में है अभी, ठीक है, समझना है आपको, गैस फॉर्म में है मतलब यहां पे यहां से निकलता है गैस फॉर्म में, गर्म गैस है अभी। अब गैस से क्या हुआ, यहां पे कंडेंसर में पूरा घूमता हुआ, यहां घूमता हुआ देख रहे कंडेंसर है, ये कंडेंसर में घूमता हुआ आता है, जब यहां पर आता है लास्ट लाइन नीचे आने लगता है, देखे यहां पर नीचे जब आ रहा है, नीचे आने के बाद क्या है, देखे यहां पर एक फिल्टर जुड़ा हुआ, देख रहे फ्रिज के अंदर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहां एक फिल्टर जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है कि ये जो लाइन आया यहां से आने के बाद क्या होता है कि एक लाइन जब बचता है तो क्या होता है कि जो प्रेशर उसका कम हो जाता है, थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा, थोड़ा गर्म भी कम हो जाएगा, इतना गर्म नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या है कि गर्म धीरे धीरे ठंडा होता है, तो ठंडा होता है क्या होता है कि जो वेपर है, ठीक है, जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में भी चला आता है, तो यहां पर जो है लिक्विड फॉर्म में चला आता है, मतलब गैस और लिक्विड दोनों में चला आता है। और इसके बाद यहां जब ड्रायर के पास आता है, फिल्टर के पास जब आता है, ठीक है, तो फिल्टर के पास आते आते क्या होता है वो बन जाता है लिक्विड, समझ रहे हैं, ठीक है, लिक्विड हाई प्रेशर लिक्विड, प्रेशर अभी भी हाई है, ठीक है, प्रेशर हाई है तो ये हाई प्रेशर लिक्विड यहां तक रहता है, मतलब यहां पे आते आते वो बन जाता है लिक्विड। लिक्विड का मतलब हुआ पानी के फॉर्म में, ठीक है, जैसे गैस डालते हैं तो गैस जो है पहले बना वेपर, वेपर से अब क्या बन गया लिक्विड, ठीक है। हम लोग जो गैस का कंटेनर रखते हैं जिसमें 134 नंबर गैस डालते हैं, देखिएगा उसको खोलकर, ठीक है, जब हाथ पे गिराएगा तो पानी पानी हो जाएगा पूरा, ठीक है, तो वो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे आ गया, ठीक है, लेकिन प्रेशर अभी भी हाई है, अभी भी प्रेशर यहाँ पे हाई है, लो नहीं है यहाँ पे प्रेशर, प्रेशर यहाँ भी हाई है। अब यहाँ क्या हुआ लिक्विड फॉर्म में आ गया तो यहाँ भी गर्म ही रहता है, ठंडा नहीं होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आ गया लेकिन हल्का सा गर्म रहता है यहाँ पर भी। तो देखिए यहाँ पे एक ड्राई फिल्टर लगा हुआ है, तो फिल्टर का काम क्या होता है कि लिक्विड में से जो भी मॉइस्चर होगा, गैस में से जो भी मॉइस्चर होगा उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेना, मतलब अपने अंदर सिमट लेना, जो भी आपका जैसे होता है कि इसमें मॉइस्चर कैसे आ जाएगा, तो मॉइस्चर जो होता है जब हम लोग गैस डालते हैं तो गैस डालने के दरमियान जो है बाहर का जो हवा होता है वो हवा या नमी कहिए नमी चला जाता है इस लाइन में, मतलब पाइपलाइन में घुस जाता है, गैस के साथ में नमी भी रन करने लगता है, तो उसी को ड्रायर फिल्टर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब अपने अंदर ही वो कैप्चर कर, फिल्टर से फिर निकला। और निकलने के बाद देखिए यहाँ पे जो है ब्लैक कलर देख रहे हैं ना, ये आपका कैपिलरी है,
कैपलरी, देखिए फिल्टर दिखा दिया आपको, कैपलरी देखिए, यहाँ कैपलरी बहुत पतला होता है, देख रहे हैं कैपलरी बहुत पतला होता है। कैपलरी का जो साइज होता है 0.5 से लेके 2.28 mm तक होता है, अंदर में जो उसका होल होता है कैपलरी का, देखिए इसका जो होल है, इस होल को जो है, होल का साइज होता है 0.5 से 2.8 mm तक होता है, ठीक है। और कैपलरी का जो लेंथ होता है, लंबाई जो होता है, वो 8 फीट से लेके आपका 10 फीट तक रहता है। फ्रिज में कैपलरी का लंबाई 8 से 10 फीट तक रहता है, और उसका जो होल होता है 0.5 से लेके 2.8 mm तक होता है, अलग अलग फ्रिज में अलग अलग होता है, ठीक है। हम लोग जनरली दुकान में जाता है तो बोलते हैं कि 36 नंबर कैपलरी दीजिए, वो सभी में काम आ जाता है। तो 36 नंबर कैपलरी जनरली हम लोग यूज करते हैं फ्रिज के अंदर में। तो यहाँ से गैस, सॉरी यहाँ से गैस ने लिक्विड, अब यहाँ से लिक्विड आएगा, गैस तो खत्म हो गया, गैस तो यहीं पे खत्म हो गया कंडेंसर में ही, गैस फॉर्म खत्म, अब लिक्विड फॉर्म में आया, तो लिक्विड फॉर्म में आने के बाद यहाँ कैपलरी में आता है, तो यहाँ प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। प्रेशर धीरे धीरे कम होता है क्योंकि कैपलरी बहुत पतला होता है, उसका छेद बहुत पतला होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में आया और प्रेशर यहाँ पे कम हो गया, लिक्विड जा रहा है, प्रेशर कम होते होते यहाँ पे जाता है जब लास्ट में, ठीक है। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप जाली जाली बना हुआ, ये आपका है इवोपरेटर, ठीक है, ये आपका इवोपरेटर है। इवोपरेटर का मतलब होता है कूलिंग चेम्बर, ठीक है, कूलिंग चेम्बर फ्रिज के अंदर में लगा रहता है, देखिए दिखा देता आपको, ये आपका सिंगल डोर फ्रिज का कूलिंग चेम्बर है, ये आपका सिंगल डोर फ्रिज का कूलिंग चेम्बर है। ये सब देख रहे हैं जो लाइन बना हुआ है, सब अंदर पाइप बना होता है, पाइपिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। आपका डबल डोर का दिखाते हैं कूलिंग चेम्बर आपको, देखिए डबल डोर में कूलिंग चेम्बर इस तरह से लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये कंडेंसर हो गया, ये देखिए यहाँ पे फिल्टर लगा रहता है, और यहाँ पे एक चार्जिंग पिन जो गैस को डालने के लिए उपयोग में आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब क्या है, कैपिलरी से गैस गया आपका, कैपलरी से गैस यहाँ पे अब कहाँ गया, कूलिंग चेम्बर में, ठीक है। कूलिंग चेम्बर में जब जाएगा, ठीक है, तो आपका क्या होगा, लो प्रेशर लिक्विड, मतलब लो प्रेशर लिक्विड के फॉर्म में चला जाएगा, मतलब जो हम गैस डालते हैं फ्रिज के अंदर में उस फॉर्म में चला आएगा, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ही ठंडा होता है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो ठंडा होगा तो क्या होगा, जब ये ठंडा होगा तो क्या होगा, जो फ्रिज के अंदर में जो भी आपका नमी है, जो भी गर्मी है, ठीक है, तो गर्मी को क्या होता है, ये खींच लेता है, ठीक है, गर्मी को खींच के बर्फ के रूप में उसको जमा देता है। ठंडा होने पे क्या होता है, अपने बर्फ जो है खींचता है नमी को, बर्फ जो है नमी को खींचता है। तो ये जब ठंडा होगा ना पाइप, जब पाइपलाइन ठंडा होगा, ये पाइपलाइन जब ठंडा होगा तो नमी को खींचता है, फ्रिज के अंदर में जो नमी होता है उसको खींच लेता है। तो खींचने के बाद क्या होता है, फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर होता है धीरे धीरे करके ठंडा हो जाता है। जब गर्म हवा को खींच लेगा तो फ्रिज में जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका साइकिल होता है कूलिंग का। इसके बाद जो है यहाँ पे आपका कूलिंग चेम्बर में ये आपका लिक्विड फॉर्म में आ गया, कितना, एकदम लो प्रेशर लिक्विड फॉर्म, कैपलरी जो है प्रेशर को एकदम लो कर दिया है, क्योंकि कैपलरी बहुत पतला होता है, पतला कैपलरी है, छेद बहुत पतला है, उसके अंदर कितना ही प्रेशर दीजिएगा तो प्रेशर हाई होगा नहीं, लो हो जाएगा, क्योंकि मोटा पाइप से पतला पाइप के अंदर में जो प्रेशर को आप प्रेस कीजिएगा, ठीक है, तो कितना प्रेशर लेगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेगा, प्रेशर तो लो हो जाएगा, ठीक है। तो लो होने के बाद जो है यहाँ पे हीटिंग आपका डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में चला आता है कूलिंग चेम्बर में, और लिक्विड फॉर्म में आने के बाद ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद यही आपका कूलिंग करता है, मतलब इसको ठंडा कर रहा है, जो भी अंदर में नमी होगा, जो भी आपका गर्म हवा होगा उसको खींच के अपने अंदर सिमट लेगा, बर्फ बनता है। तो वही जो गर्म हवा होता है वही बर्फ बनता है, समझ लीजिएगा, जो गर्म हवा होता है उसी को खींच के अपने में चिपका लेता है, और चिपकाने के बाद उसको बर्फ के फॉर्म में तैयार कर देता है, तो वही हवा बर्फ बन जाता है जो नमी होता है खींच कर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ से घूमते 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 यहाँ पे देखिए जा रहा है, घूमते घूमते जा रहा है, जा रहा है, यहाँ से देखिए निकला, और निकलने के बाद यहाँ से क्या होता है, फिर से वो क्या होता है, प्रेशर लो में वेपर बनता है, वेपर बनने के बाद यहाँ पे लिक्विड हो गया, इसके अंदर लिक्विड है, फिर जब घूमते घूमते लास्ट में यहाँ पे वेपर बनता है, वेपर मतलब हो गया गैस, ठीक है, गैस के फॉर्म में आता है, और आकर यहाँ सेक्शन पाइप से कंप्रेसर में फिर से चला जाता है, कंप्रेसर में चला गया, जाने के बाद, ठीक है, देखिए कंप्रेसर चला गया, देखिए बता देते हैं आपको हम, जाने के बाद देखिए यहाँ से सेक्शन से अंदर आया, यहाँ से फिर आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर बनाता है, फिर यहाँ से निकलता है, तो ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है, जिससे फ्रिज जो है कूलिंग करता है।
ठीक है। तो ए हो गया आपका सॉरी ए हो गया आपका थ्योरिकली, आपको आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आपका थ्योरिकली हो गया, इस तरह से गैस इसमें काम करता है। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है समझाने में हमको कुछ मतलब कुछ समझा नहीं पाए होंगे या कहीं भी दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको हम कमेंट में जवाब दे देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।